व्यक्तिगत सेवा। यीशु मसीह ने उद्धार के सुसमाचार को फैलाने के लिए किसी अवसर की अनदेखी नहीं की। उस समरी स्त्री से बोले गए उसके अद्भुत शब्दों को सुनिए। जब वह स्त्री पानी भरने के लिए आई, वह याकूब के कुएं के पास बैठा था। जब उसने उस स्त्री से एक उपकार करने के कहा तो स्त्री के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उसने कहा, मुझे पीने के लिए पानी दे दो। वह ठंडा पानी पीना चाहता था और बातचीत करने के लिए भूमिका बना रहा था कि किसी प्रकार से वह उस स्त्री को जीवन का जल दे सके। ऐसा कैसे हो सकता है, स्त्री ने कहा, कि तू एक यहूदी होकर मुझ समरी स्त्री से क्यों पानी मांगता है? क्योंकि यहूदी समरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं करते सकते थे। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। जो कोई इस जल को पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। यूहन्ना 4:7-14। इस अकेली स्त्री में यीशु ने कितनी रुचि दिखाई, उसके शब्द कितने जोशीले और पूर्ण थे। जब स्त्री ने इन शब्दों को सुना, वह अपना घड़ा छोड़कर शहर में चली गई और अपने मित्रों से कहने लगी, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया था मुझे बता दिया। कहीं यही तो मसीह नहीं है? हम पढ़ते हैं कि उस शहर के बहुत समरियों ने उस पर विश्वास किया। यूहन्ना 4:29-39। और इस बात का अनुमान कौन लगा सकता है कि इन शब्दों के असर से अब तक कितनी आत्माएं बचाई होंगी? जहीं कहीं भी सत्य को स्वीकार करने के लिए दिल खुले हुए हैं, मसीह उन्हें सिखाने के लिए तैयार रहता है। वह उनके सामने दिलों को पढ़ने वाले पिता और उसकी सेवाओं को प्रकट करता है। ईसों के लिए वह किसी दृष्टांत का प्रयोग नहीं करता। उनसे तो कुएं के पास मिलने वाली स्त्री की तरह वह कहता है, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ मैं वही हूँ। यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके अर्धालय में उपदेश करता और रज का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा, और सारे सीरिया देश में उसका यास फैल गया और लोग सब बीमारों को जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्टात्माएँ थीं और मिर्गी वालों और लकवे के रोगियों को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। मत्ती 4:23-25।